हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में, इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि सीरीज होती क्या है। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज। जो सीक्वेंस होती थी, सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में हम कोमा डालते थे। सीरीज क्या है, सीरीज की टर्म्स के बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है उसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती थी, सीरीज में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होती हैं। और इसको हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ए एन एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल सम्स की, कि पार्शियल सम क्या होते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई सीरीज है समीशन ए एन। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म है एस वन, पहली दो टर्म्स के सम को बोल दिया एस टू, पहली तीन टर्म्स के सम को बोल दिया एस थ्री, फिर चार टर्म्स के सम को बोल दिया एस फोर, एन टर्म्स के सम को बोल दिया एस एन। ठीक है, तो जो ये एस वन एस टू एस थ्री एस एन है, ये एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस की पहली टर्म है एस वन, दूसरी टर्म है एस टू, सीरीज के पहले दो टर्म्स का सम है एस टू, सीरीज की पहली तीन टर्म्स का सम है एस थ्री। ठीक है, तो जो ये एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस एन है, ये हमारा एस वन है फर्स्ट पार्शियल सम, एस टू है सेकेंड पार्शियल सम, थर्ड पार्शियल सम, एनथ पार्शियल सम, ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरीज के बिहेवियर के बारे में, कि कोई सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी, ऑसिलेट क्या कब करेगी। जो सीरीज है, कोई भी सीरीज, ये कब कन्वर्ज डाइवर्ज ऑसिलेट करेगी, जब इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये कन्वर्ज डाइवर्ज ऑसिलेट करेगा। ठीक है, मतलब सीरीज का बिहेवियर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स, उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का बिहेवियर, इन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर उस सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, अगर उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करेगा तो सीरीज भी ऑसिलेट करेगी। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और ऑसिलेटिंग है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी आती है, सीक्वेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो सीरीज का बिहेवियर कैसे स्टडी करेंगे, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा हमें पहले। लेट दिस ए एन बी अ सीरीज, समीशन ए एन बी अ सीरीज एंड एस एन बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, देन द सीरीज समीशन ए एन इज सेड टू बी कन्वर्ज डाइवर्ज और ऑसिलेट अकॉर्डिंग एज इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज डाइवर्ज और ऑसिलेट। ठीक है, अगर हमारी सीक्वेंस ऑफ, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर ये एस को कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगा, और उस सीरीज का सम किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सीरीज है समीशन वन बाई टू की पावर एन, मतलब वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब प्लस वन बाई टू की पावर फोर एंड सो ऑन। सीरीज है क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस है, वैसे भी ये सीरीज गिवन है, ये आपको दिख नहीं रहा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती थी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इस टाइप की सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज होती थी। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, वन बाई टू। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता था, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ठीक है, हम एस एन की बात करते हैं, एस एन देखते हैं कन्वर्ज डाइवर्ज या ऑसिलेट करेगा। एस एन क्या होगा, पहली एन टर्म्स का सम, मतलब वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब प्लस वन बाई टू की पावर एन, और इस एन टर्म का सम क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो होगा ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन, आर क्या है, वन बाई टू, अपॉन वन माइनस वन बाई
टू, इसको जब सॉल्व करा ये आ जाएगा वन माइनस, क्योंकि ये वन अपॉन टू और वन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। अब एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, ये किसको कन्वर्ज करेगा, वन को। मतलब एज एन टेंड टू इन्फिनिटी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये वन को कन्वर्ज करेगा, इसकी लिमिट फाइनाइट आ गई। मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, अगर एस एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मतलब हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंस चेक करनी है, एस एन की कन्वर्जेंस चेक करनी है। अगर एस एन की लिमिट फाइनाइट आ गई, मतलब अगर एस एन कन्वर्ज कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे समीशन एन, वन प्लस टू प्लस थ्री नेचुरल नंबर्स के सम की सीरीज है। अब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन, ये किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एज एन गोज टू इन्फिनिटी, ये भी क्या किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की। मतलब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन क्या आ गया, इन्फिनिटी। मतलब एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है समीशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब एस एन क्या होगा, पहली एन टर्म्स का सम। पहली टर्म क्या होगी, जब एन को वन पुट करा, वन माइनस वन जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो क्या आ गई, वन। जब एन को टू पुट करा माइनस वन, पहली एन टर्म्स ये आ गई हमारी। ठीक है, अगर एन ऑड होगा तो जो ये सम है वो वन आ जाएगा, अगर एन इवन होगा तो सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब जो ये सीक्वेंस है वो ऑसिलेट कर रही है हमारी, वन माइनस वन वन, वन जीरो वन जीरो। एस वन जो है वो वन आ जाएगा, एस टू क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, एस थ्री वन आ जाएगा, एस फोर जीरो, वन जीरो वन जीरो। ये सीक्वेंस की टर्म्स है, मतलब एस एन सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज है ये भी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। समझ आया, ऑसिलेट कैसे कर रही है, फर्स्ट टर्म जो है एस वन वन, सेकेंड टर्म एस टू, एस टू क्या है, सीरीज की पहली दो सम का जोड़, वो क्या है, जीरो। एस थ्री क्या है, सीरीज की पहली तीन सम का टोटल, वो है वन, वन जीरो वन जीरो। ऐसी हमारी सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं, तो जो ये एस एन सीक्वेंस है ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सीरीज दी है, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है। एस एन क्या होगी, इस सीरीज की पहली एन टर्म्स का सम। अब जो ये चीज़ है वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से यूज़ करनी आती होगी। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपकी यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी nth टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, जब एन को वन पुट करा, यहाँ पे एन को वन पुट करा, वन अपॉन वन टू थ्री यही बन रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। तो इसकी फर्स्ट टर्म जब एन को वन पुट करेंगे ये आएगा वन बाई टू, एन को वन पुट करा, वन अपॉन वन इंटू टू माइनस वन अपॉन टू इंटू थ्री, ये आ गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जब एन को यहाँ पे टू पुट करेंगे, ये हमारा ए एन है, जब एन को टू पुट करेंगे सेकेंड टर्म ये आ जाएगी, इसी में जब एन को थ्री पुट करेंगे ये आ जाएगा। nth टर्म, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल। यहाँ पे से हमने वन बाई टू जो है वो कॉमन ले लिया, वन बाई टू कॉमन लेके ये आ गया, तो जो हमारा बच गया वो हमने लिख लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या बच जाएगा, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। एज एन गोज टू इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी ये वाली टर्म जीरो बच जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई फोर। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू फाइनाइट आ गई, वन बाई फोर आ गई, इट मीन्स एस एन कन्वर्ज कर रहा है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी।
तो जो गिवन सीरीज है वो क्या है, हमारी कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या वो ऑसिलेटिंग है अगर ये चेक करना है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है या ऑसिलेट करती है। ठीक है, और वो हमें चेक करना आता ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।